नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप इस जड़ी बूटी को देख ही रहे हैं तो जानते भी होंगे, बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ, आपको बताने के लिए। तो दोस्तों इस जड़ी बूटी का नाम है अड़ूसा के नाम से जानी जाती है और इसको वासा भी बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है ये जड़ी बूटी। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से भाई को, बहुत से माताएं को, बहुत से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको बीमारी लग जाती है कि हाथ पैर में अकड़न होती है, हाथ पैर ऐंठने लग जाता है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे कैसे निजात पाना है हमको, और ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार जड़ी बूटियों में इसका उपयोग होता हुआ आया है सदियों से वासा का। तो आज इस आप देख लो इसको ध्यान से, ये इसके पत्ते हैं और ये हमारे भारतवर्ष में हर राज्यों में मिलता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस किस रोगों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है इस वासा में, अड़ूसा में। तो दोस्तों आप पहले देख लीजिए, तो इसमें ये देखो अभी फूल नहीं आया, इसमें वाइट वाइट फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है, तो आप इसको देख लो। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपको कि हाथ पैर में ऐंठन है, आपके घर में किसी को भी प्रॉब्लम है, तो आप इसकी दवा बना के इस्तेमाल करो, वे आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों देख लो, तो दोस्तों आपको करना क्या है, अड़ूसा का पेड़ आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, जंगल वगैरह में बहुत सारा पेड़ मिलेगा आपको, पहाड़ी है, पहाड़ी पर भी मिल जाता है, रोड के किनारे भी मिलता है, ये हमारे खेत खलिहान में भी मिल जाएगा, ये बहुत आराम से मिल जाएगा आपको। आपको अड़ूसा का पेड़ देख लेना, वासा का पेड़ देखने के बाद आपको क्या करना है, उसके पत्ते तोड़ लेने हैं। पत्ते तोड़ के लेके आना है, 10 ग्राम के मात्रा में पत्ते तोड़ के लेके आओ, उसको बारीक पीस लो, बारीक पीसने के बाद उसको छान लो, छान के जो रस निकलता है उसका, उसमें तिल का तेल, जो तिल्ली का तेल होता है, तिल का तेल उसमें मिला देना है, जितना वासा का रस निकाल दो आप उतना ही तिल का तेल मिला दो और उसको रख दो, उसी का लेप करना है, लेप करना, मालिश करना, उसी से हाथ पैर पे मालिश करना, जहाँ पे अकड़न होती है हाथ पैर पे मालिश करना बात है, तो उसके लिए भी फ़ायदा करता है, ये बाई बात जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फ़ायदा करता है, जहाँ जहाँ पर है आपको प्रॉब्लम अकड़न की, वहाँ वहाँ पर आप इसका तेल इस्तेमाल करो, बनाया हुआ जिस प्रकार से बताया गया आपको उसी प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपको कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करना है, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा और लगातार करते रहे कुछ दिनों तक, तो आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा जो आपका ऐंठन है। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।